नेक्स्ट आपकी डिजीज है टंगरो डिजीज। टंगरो डिजीज ऑफ राइस ये वायरस की डिजीज है। अभी तक हमने कौन कौन सी डिजीज पढ़ ली, फंगल डिजीज पढ़ ली, बैक्टीरियल डिजीज पढ़ ली, इसके बाद हमने जिंक डेफिशिएंसी वाली एबायोटिक डिजीज पढ़ ली, नाउ राइस टंगरो वायरस। ये टंगरो डिजीज ऑफ राइस है, ये टंगरो वायरस है, इससे होता है। ठीक है, इसमें भी प्लांट बौने रह जाते हैं और जो है टिलरिंग टिलरिंग हो जो है उसकी कम हो जाती है, लीव्स जो है येलो और ऑरेंज येलो हो जाती है। ठीक है, इसमें भी पेनिकिल स्मॉल रह जाता है। टंगरो वायरस डिजीज जो है प्लांट की हर स्टेज है उसमें किसी में भी इफेक्ट कर सकता है, स्पेशली वेजिटेटिव स्टेज पर ज्यादा इफेक्ट करता है, मतलब जब इसमें प्लांट में लीफ आनी शुरू होती है, येलोइंग हो जाती है। ठीक है, अफेक्ट ये टंगरों से अफेक्टेड फील्ड दिखाया गया है। जब डिजीज होगी तो डिजीज की वजह से ग्रेन बनना कम हो जाता है, राइस का अमाउंट बनना कम हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन। वायरस में क्या होता है, ट्रांसमिट ही होता है। अब आप आजकल कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना अपने आप तो जा नहीं रहा है, कोरोना में जनरली क्या हो रहा है कि आपका जो वायरस है हमारा मैन टू मैन फैल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, टंगरो वायरस जो है लीफ हॉपर के द्वारा फैलता है, स्पेशली जो है इसका ग्रीन लीफ हॉपर, वो इसका नाम है नेफ्रोटेटिक्स वायरसेंस। इस डिजीज के द्वारा, इसके इस लीफ हॉपर के द्वारा ये टंगरो वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर, एक खेत से दूसरे खेत पर जाता है। इस वेक्टर के ने जैसे ही इस टंगरो वायरस को खाया, और इसके बाद ये इसका लेटेंट पीरियड भी नहीं है, ये नहीं कि ये इसके पेट में इतने दिन तक रुकेगा फिर उसके बाद ये इन्फेक्शन करेगा, ये ऐसा नहीं है, ये तुरंत का तुरंत इन्फेक्शन कॉज करता है। और ये अपने अंदर 6 दिन तक, मतलब जब इसने राइस टंगरो वायरस को निगल लिया तो 6 दिन तक अपने अंदर अगर रखा रहेगा तो 6 दिन तक इसकी इन्फेक्टिविटी रहेगी। तो इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, प्रेजेंस ऑफ वायरस सोर्स होना चाहिए पहले, वेक्टर होना चाहिए, यानी कि वेक्टर कौन सा है आपका, लीफ, ये हॉपर, लीफ हॉपर। इसके बाद आपकी एज एंड ससेप्टिबिलिटी होस्ट ऑफ होस्ट प्लांट, मतलब जिस पे प्रॉपर टाइम पर ये डिजीज कॉज कर सके वो डिजीज होनी चाहिए, वो स्टेज होनी चाहिए, वेक्टर होना चाहिए और वायरस होना चाहिए, तभी ये तीनों चीजें मिलेंगी एक साथ, तभी डिजीज कॉज हो सकती है। ये मेनली वेजिटेटिव स्टेज, जब लीफ वगैरह आ रही होती हैं फ्लावरिंग स्टेज से पहले की स्टेज पर ये वायरस ज्यादा इफेक्ट करता है। अब इसकी इटियोलॉजी, ये जो है ये राइस टंगरो वायरस ये कॉम्प्लेक्स डिजीज है, इसमें दो वायरस एक साथ मिलके इस डिजीज को कॉज करते हैं। एक है आपका राइस टंगरो बैसिलस वायरस, बैसिलाई वायरस, ठीक है, बैसिली फॉर्म, सॉरी, राइस टंगरो बैसिली फॉर्म वायरस। दूसरा है राइस टंगरो स्पेरिकल वायरस। ये जो राइस टंगरो वायरस, जो राइस टंगरो डिजीज है वो RTBV RTSV का कॉम्प्लेक्स है, यानी कि उस डिजीज में दो तरह के वायरस पाए जाएंगे तभी ये डिजीज हो रही है। ये वाला वायरस छड़ के आकार का होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और इसकी प्रोटीन जो है 36 KMB की, KMW की होती है। ठीक है, और ये मैम एक बार दोनों की दोबारा फुल फॉर्म बताएंगी प्लीज, हाँ लिखो, RTVP और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राइस टंगरो बैसिली फॉर्म वायरस। राइस, आर से राइस, टी से टंगरो, जिस वायरस की हम बात कर रहे हैं ये है बैसिली फॉर्म, यहाँ जी लिखा हुआ है बैसिली फॉर्म, ये बैसिली फॉर्म वायरस, और वेवी से वायरस। ठीक है, राइस टंगरो, ओके मैम, ओके, वैसिलिफॉर्म वायरस। हाँ बैसिली फॉर्म वायरस। दूसरा है राइस टंगरो स्फेरिकल, ये छड़ के आकार का है, दूसरा आपका गोल है, ये वाला जो है आपका स्फेरिकल है, एस फॉर स्फेरिकल, गोल।
ये डबल स्ट्रैंडेड वायरस होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब आप ये चीज देखिएगा, इसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, इसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, ठीक है। इसकी कोड प्रोटीन के बारे में लिखा है, इसमें नहीं लिखा है। अब ये इसको आरटीबीवी जो सिम्टम्स है उनको इंड्यूस प्रेरित करने का, बढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक है। और अब क्या है आरटीबीवी, ये आप देखिए इस लाइन पे गौर करिएगा, इसेंशियल फॉर वेक्टर ट्रांसमिशन, नो वेक्टर ट्रांसमिशन ऑफ आरटीबीवी इन एब्सेंस ऑफ आरआरटीएसवी, ये यहाँ पे कट गया है, कोई नहीं। तो अब इसमें क्या है, आपका पहले इसके अंदर लीफ हॉपर के अंदर ये आरटीएसवी का होना जरूरी है। अगर आरटीएसवी नहीं है तो आरटीबीवी नहीं ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिट नहीं होगा। तो पहले आरटीएसवी होगा तब आरटीबीवी भी काम करेगा। अगर केवल अकेले ये आरटीबीवी है तो ये काम नहीं करेगा, पहले ये होना चाहिए फिर ये होगा, तब इसको लेके ये ट्रांसमिट करेगा। और जब ये रोग फैला देता है तो ये इसको और बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पहले आरटीएसवी जरूरी है, बहुत जरूरी है, एसेंशियल, एसेंशियल मतलब बिल्कुल इसके बगैर काम नहीं चल सकता। तो आरटीएसवी पहले होना चाहिए तभी वेक्टर ट्रांसमिशन आरटीबीवी का होगा, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स डिजीज हो जाती है। बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, आरटीबीवी। ये आग में घी डालने का काम कर रहा है, इसने तो आग लगाई, इसने और घी डाल के बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये है आपका, क्लियर हो गया जी मैम। नेक्स्ट है कल्चरल मेथड में क्या है, वही डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज आप यूज करेंगे, ठीक है। इसमें नाम लिखे हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा, इन नाम को मैं क्या पढूं। फिर इसके बाद जो इसमें मेन ध्यान देने वाली बात है, कल्चरल मैनेजमेंट ऑफ प्लांट। तो आप क्या है, क्या कर सकते हैं इस वायरस के लिए, कि जो वायरस की डिजीज कॉज करने वाली स्टेज है और जो प्लांट की ससेप्टिबल स्टेज, मतलब ये लीफी, इसमें बार बार लिख रहे हैं ना वेजिटेटिव, उस पर ये ज्यादा इफेक्ट करता है। तो जो वायरस के आने का टाइम है और डिजीज को पहले जो ये इसकी ससेप्टिबल स्टेज, यानी कि ससेप्टिबल को क्या बोलते हैं हिंदी में, रोग ग्राही जो लीफ इसकी प्लांट की स्टेज है, अवस्था है रोग ग्राही अवस्था, और जो वायरस के फैलने का टाइम है वो एक साथ ना मिले, तो इससे क्या कर सकते हैं आप, प्लांटिंग डेट को एडजस्ट कर सकते हैं, उससे पहले आ जाए या उसके बाद आए पैनिकल वो लीफ स्टेज। फिर इसका क्रॉप रोटेशन, फॉलो द क्रॉप रोटेशन विद पल्स और ऑयल सीड क्रॉप्स। जो पल्स वाली इसकी राइस को आप क्रॉप रोटेट करेंगे विद पल्स दालों वाली या ऑयल वाली, दलहनी और ये क्या है तिल, जो भी है ऑयल को क्या बोलेंगे, तेल वाली फसलें जो होती हैं, है ना। अप्लाई नीम केक को अप्लाई करिए बेसल डोज, एज बेसल डोज नर्सरी में ही। प्लोइंग एंड हैरोइंग द फील्ड, जिससे कि स्टबल को आप खत्म कर दें, वहीं की वहीं जो टंगरों का होस्ट है, ये इस जो धान का भूसा है उसमें ये सरवाइव करता है वायरस, और तो इसको हटाने के लिए आप इनके भूसा और दूसरी जो इससे रिलेटेड फसलों के भूसे हैं राइस से, उनके उनको डिस्ट्रक्ट कर दें, नष्ट कर दें, वीड होस्ट उनको नष्ट कर दें। केमिकल मेथड, जनरली इनमें केमिकल मेथड इसके लिए क्या करेंगे, मेनली ट्रांसमिट कौन कर रहा है, हॉपर, लीफ हॉपर, है ना। तो इसके लिए आप इंसेक्टिसाइड को जब स्प्रे करेंगे तो लीफ हॉपर को ही खत्म कर दे जो ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है। दूसरा, लीफ वेलोइंग कैन बी मिनिमाइज बाय, ये आपने मैनकोजेब ये करके इतना यूरिया के साथ मैनकोजेब को मिला के एक तो लीफ येलोइंग को रोक दें, कम से कम कर दें। दूसरा, इंसेक्टिसाइड मैं बताई चुकी, ये लिखा है इंसेक्टिसाइड को 15 और 30 दिन के बाद ट्रांसप्लांटिंग के स्प्रे कर दें, क्योंकि मेन जड़ कौन है, इंसेक्ट। अब हम लोग कोरोना के केस में क्या कर रहे हैं, ह्यूमन को ह्यूमन से मिलने के लिए रोक रहे हैं, जो फैलाने की जड़ है उनको ब्लॉक कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, है ना। लेकिन अब वही है ना, कीड़े को तो हम मार सकते हैं, आदमी को तो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए इसमें जो फैलाने की जड़ है उसी को मार दिया, ठीक है। ये जो मेनली है, जो मेन है इसका इंसेक्टिसाइड का,
कंट्रोल, ग्रीन लीफ हॉपर को कंट्रोल करना, ठीक है, ये इसका मेन वो है।